बीटेक इन सिविल, यानी सबसे पहले तो आपको एक सम्मान मिल रहा है इंजीनियर का। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मेकाट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, अपने आप में एक बहुत बड़ा पहचान मरते दम तक, पूरे जीवन तक आपको मिलेगा, जिसका नाम होगा इंजीनियर। तो अगर कोई भी मेरी बहन या मेरे भाई आईएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कर चुके हैं, तो अपने 4 साल को यूं ही नहीं गंवाएं। मैं बराबर इस लाइन को बोलता हूँ, आज ज़रूर बोलूँगा कि जितने भी महंगे सामान का रिक्वेस्ट आप अपने मम्मी पापा से करते हैं, उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करें और वही सारे पैसे को अपने एडुकेशन पे इन्वेस्ट करें। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिलता है और दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है एडुकेशन, शिक्षा। जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। एक और लाइन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बराबर सुनते होंगे कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। साथ ही साथ मैं ये भी गाइड करता हूँ कि दुनिया की लगभग हर एक चीज़ चुराई जा सकती है, लेकिन आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो जानकारी, आपकी जो नॉलेज है, वो कोई भी चोर नहीं चुरा सकता। आप कहोगे सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया जिसमें सारी मेरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स थी, तो मैं तो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, आप मेरी बातों से सहमत हैं। आपका पीस ऑफ पेपर यानी जो सर्टिफिकेट था वो चोरी हुआ है, आपकी जो नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, चोरी नहीं हुई है। आप रीइशू करा सकते हैं, मतलब जब आप ट्रेन पे सवार हुए थे, आप बीटेक इंजीनियर थे, तो बैग चोरी होने के बाद में आप अंगूठा छाप नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सहमत किया आप मेरी बातों से। इसीलिए कहता हूँ कि दुनिया की लगभग सारी चीज़ें चुराई जा सकती है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं चुराई जा सकती है। आते हम लोग बात करते हैं बीटेक सिविल के बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बीटेक सिविल का डिमांड रहेगा, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा कि आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया तरक्की कर रही, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है, आजकल लोग भी अपना घर बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। तो वेल अरेंज, वेल डिज़ाइन, वेल डेकोरेटेड, वेल प्लान्ड घर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिविल इंजीनियर की। आपका घर टिकाऊ, खूबसूरत, मजबूत हो, उसके लिए किसकी एडवाइस की ज़रूरत होती है? सिविल इंजीनियर की। चाहे वो देश हो या विदेश हो, ये एक ऐसा नेवर एंडिंग या कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, जिसे कहते हैं बीटेक इन सिविल। अगर आप बीटेक इन सिविल कर लेते हो तो आप कंपनी हो या इंडिविजुअल लाइफ का कोई भी इंसान हो, उस लेवल का गाइडेंस सपोर्ट दे सकते हो उनको कि उसी बजट में या कम बजट में या कम समय में और भी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, सेफ कैसे हो सकता है, जो सेफ भी हो और कॉस्ट कंट्रोल भी उसमें हो सके। ये कहीं ना कहीं एडवाइस होता है सिविल इंजीनियर का ही। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मेरी बातों से बिल्कुल सहमत होंगे, चाहे वो देश हो या विदेश हो, सिविल इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री जब बनेगा तो पहले तो कंस्ट्रक्शन होगा ना, उसके बाद ही इंडस्ट्री शुरू होती है, उसके बाद ही कुछ प्लान किया जाता है। यहाँ तक कि सॉरी टू से मैं डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, जो लोग बीटेक इन सीएस किए हुए हैं यानी कंप्यूटर साइंस किए हैं, आप खुद बताइए, इंडस्ट्री बनने से पहले कंप्यूटर ऑफिस में आ जाता है या पहले ऑफिस बनती है? आप कहोगे नहीं सर, पहले इंडस्ट्री बनती है, पहले कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर आता है। मतलब पता क्या चला कि सिविल इंजीनियर की डिमांड, अगर मैं कहूँ तो गलत पूरी तरह से नहीं होगा, बीटेक इन सीएस से पहले वो डिमांड आ जाता है। मतलब पहले तो कंस्ट्रक्शन करना है ना, उसके बाद ही हमको कंप्यूटर लाना है, उसके बाद ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी। यानी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल भी वही कर रहा है, तो वो भी एक सेकंड स्टेप पे आता है, यानी पहले तो कंस्ट्रक्शन ही करना है। तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आप खुद समझदार हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब कुछ मेरे भाई, अब कुछ मेरी बहनें, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि आज हमारी भारतीय बहनें, भारतीय नारी भी इंजीनियरिंग कर रही है, भाइयों से कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और इनको मोटिवेट भी करना हमारा काम है। तो कोई भी मेरे भाई या मेरी बहनें किसी भी वजह कर बीटेक में एडमिशन नहीं ले पा रही हैं, तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार और दिलाएंगे आपको AICTE, UGC, PCI, BCI, MCI, NCTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन। बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एडुकेशन कंसल्टेंसी, बहुत सारे AICTE, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज का ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर है। यानी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला है कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं। वी आर नॉट अ कमीशन एजेंट, हम लोग कोई कमीशन एजेंट नहीं कि 5-10 रुपया कमीशन रख के आपको एडमिशन करा दिए। बाकायदा प्रॉपरली ऑफिशियली हम लोग ऑथराइजेशन लेटर मिला है कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं।
तो आपके सपनों को साकार करने में वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी की पूरी टीम हमेशा आपके साथ में है। मैं अपने आईटी डिपार्टमेंट वाले का भी थैंक कहना चाहूँगा जो इतना मेहनत करके इस वीडियो को बनाते हैं, आप तक वो परोसते हैं, आप तक वो पहुँचाते हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, देश के युवाओं का मनोबल को बढ़ाने के लिए, देश को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपका भाई आसिफ कुमार रिक्वेस्ट करता है कि इस वीडियो को देश के कोने कोने तक शेयर करें, विदेश के कोने कोने तक शेयर करें, जितने भी सोशल मीडिया आप जानते हैं सब में शेयर करें, ताकि सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें। हर घर में ईद, दशहरा, दिवाली हो, हर घर में खुशहाली हो, किसी भी घर में बेरोजगारी नहीं हो। बिकॉज जब पढ़ लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, तो बेरोजगारी कहाँ का। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से दुख को दूर कर सकते हैं और सुख को काफ़ी नज़दीक कर सकते हैं। तो खुद के लिए, अपने परिवार वाले के लिए, भारत देश के लिए इस वीडियो को वायरल कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।